नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पिछले 1-2 दिन बराबर स्पीड आई है, ऐसी आई है, अब वैसे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है वो पूछ रहा हूँ आपसे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू। तो आज मैं आपके लिए आऊँ एक की बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन मेरी हुई है जियो के साथ। जियो कुछ गेम प्लान खेल रहा है सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने पेश किया था वीडियो जिसमें आपको पता लगा था कि स्पीड अपलोड ऑलमोस्ट अपलोड के बराबर डाउनलोड अपलोड इक्वल है, लेकिन कुछ उसके बाद से मेरी स्पीड फिर से बैक टू 22-23 रह गई है। तो मतलब इससे परेशान होकर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया और आपके सामने सुनाता हूँ क्या बात। वाईफाई पे हो रहा है। जो नंबर से अभी आपने कॉल किया ही आपका जी साहब मोबाइल नंबर है। हाँ जी, अरे यार नहीं मैं ठीक आपको बता रहा हूँ ना कि पिछले 1-2 दिन बराबर स्पीड आई है, है, ऐसी आई है, अब वैसे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है वो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑफलाइन पे। क्योंकि इस पे आ चुकी है ऑलरेडी, अब ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं, अवेलेबल थी तभी आई है ना। डेढ़ सौ के आसपास अपलोड डाउनलोड आ रही थी, और अपलोड भी उतने के आसपास ही आ रही थी। अब आ रही है अब डाउनलोड 150 और अपलोड आ रही है 22, सिर्फ 22। डाउनलोडिंग 150 जा रहा है आपका वीवो से एक बार देखो। डाउनलोड 150 आ रही है, अपलोड 22 आ रही है। ठीक है वो भी चेंज हो जाएगा। अपलोड बराबर आनी चाहिए ना, आप जैसे कह रहे हो। अपलोड अभी डाउनलोडिंग आपका डाउनलोडिंग अपलोडिंग के इशू स्पीड कम हो गया है, इसमें इसके लिए कुछ इशू हो रहा है क्या आपको? नहीं, जब आपने बोला है प्लान में बराबर आएगा तो बराबर आए। मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस तो मुझे चाहिए बराबर की। नॉर्मली आपको होता है अपलोडिंग जो होता है ठीक है वो भी आपको जैसा स्पीड आएगा, मगर अभी मैं चेक कर लेता हूँ किसके लाइन पे ही आप किसके लाइन पे ही। क्या कह रहे हैं? अभी आप अभी जियो फाइबर राउटर के साथ एक्सटर्नल और दूसरा कोई राउटर कनेक्ट से जा सकते हैं? नहीं, ये चीज़ें क्यों, जब मैं कह रहा हूँ जैसा मेरा सेटअप है उस सेटअप के ऊपर पिछले 2 दिन पहले बराबर आ रही थी, आप पिछले हफ्ते से नहीं आ रही बराबर, क्यों नहीं आ रही उसका जवाब दीजिए बस। कुछ टाइम ऐसा होता है एक्सटर्नल राउटर कनेक्ट करने से कुछ टाइम इशू हो जाता है, इसीलिए आपको एक बार एक्सटर्नल राउटर को डिस्कनेक्ट करके एक बार चेक करके दोबारा उसके बाद फिर से काम करना होगा। हाँ वो मैं कर चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। इससे पहले किए थे वो? हाँ हाँ कर चुका हूँ, डिस्कनेक्ट करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही आ रहा है। अप डाउनलोड आ रही है 150 और अपलोड आ रही है 22। को डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी आप उसको डिस्कनेक्ट कर पाएंगे कि अभी कुछ ट्रबल शूट करना है? क्या चीज़? अभी आपका टिकलिंग राउटर को डिस्कनेक्ट कर पाएंगे आप? हाँ कर दिया, बंद कर दिया। कर दिया? हाँ जी। अभी टोटल कितना डिवाइस जियो फाइबर से कनेक्टेड है जान सकते हैं? मेरा ही फोन ही बस कनेक्टेड है और कोई नहीं कनेक्टेड। आप एक बार दोबारा स्पीड टेस्ट परफॉर्म कीजिए और आपका मोबाइल में नेट वेलोसिटी एप्लीकेशन है क्या चीज? अरे वो सारे सॉफ्टवेयर एक हैं, ये फालतू की गोलियां मत डालो, मुझे मुझे सब पता है। आई एम टेक सेवी पर्सन, मेरा चैनल है टेक का, ठीक है? तो मुझे सीधा सीधा बताओ कि आपने डाउनलोड अपलोड स्पीड कम क्यों करी है? अपलोड स्पीड यहाँ पे कम नहीं हुआ है आपको अभी नहीं करना चाहते, आप एक बार आप स्पीड टेस्ट परफॉर्म करके देखिए कितना स्पीड आपको मिल रहा है। 22 आ रही, तभी तो बता रहा हूँ, तभी तो मैंने फोन किया है, परसों आ रही थी पूरी। अभी मेरे से बात करते करते आप ही जिस किया है अब मैं चेक करूं आपसे बात करते करते? ठीक है करता हूँ, अभी अभी करता हूँ। और एक्सटर्नल डाटा अभी डिस्कनेक्टेड है आपका? आप स्पीड देखो बस आप। एक्सटर्नल एक्सटर्नल डाटा अभी डिस्कनेक्टेड है? हाँ अगले डिस्कनेक्टेड है, डाउनलोड आ रही है 140 और अपलोड आ रही है वही 22 के आसपास। हाँ इसका कारण बताओ। आपका करेंट जो प्लान है अब जो अपलोडिंग स्पीड आपको टोटल मिल रहा है 22 Mbps ठीक है, सही मिल रहा है जल्दी। ये क्यों मिल रहा है फिर, आपने मैसेज क्यों किया डाउनलोड इक्वल टू अपलोड, पागल बना रहे हो लोगों को? मैक्सिमम मिलेगा आपको 150 Mbps और मिनिमम मिलेगा 20 Mbps के ऊपर। तो फिर मेरी परसों कैसे आ रही थी 150 सेम? परसों सेम कैसे हो गई?
मैं बोला मैक्सिमम मिलेगा आपको वो। क्या मैक्सिमम मिलेगा? मैक्सिमम आपको मिलेगा 145 Mbps अपलोडिंग आपको डाउनलोडिंग के। अभी आपको जो 22 Mbps मिल रहा है वो आपका बाद में वो भी चेंज हो गए, वो भी वेरी वेरी करेगा आपका वो। कौन सा डाउनलोड? हाँ अपलोड स्पीड अभी जो 22 मिल रहा है हाँ? वो भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो उसका मैक्सिमम स्पीड 150 है और मिनिमम स्पीड 20 है, 20 के ऊपर जाएगा वो। 20 से अगर नीचे रहेगा उसके बाद ही हम अभी का प्रोसेस कर पाएंगे। नहीं ऊपर कब जाता है? हाँ ऊपर कब जाता इस तरह का नहीं होता है वो, अभी जो मिल रहा है वो कभी भी चेंज हो जाएगा, वो फिर से अपन फिर से 100 के ऊपर भी चल जाएगा। मतलब ये आपकी मर्जी है, जब करंट छोड़ोगे तो 150 आएगा, जब बंद कर लोगे तो 22 आएगा, यही कह रहे हो ना? ऐसा नहीं सर, तो अभी तो फिर बताओ ना कब जाएगा, 22 से ऊपर कब जाएगा, क्लियर बताओ। वो डिपेंड कब होता है, अभी जो मेरा वो टेम्पररी मिल रहा है वो फिर उसका अप डाउन होता है, आपका डाउनलोडिंग स्पीड जो है जो कॉन्स्टेंट रहता है, अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम 150 है और मिनिमम 20 Mbps के ऊपर रहेगा। वो मुझे मालूम है, पर ये मुझे बताओ कि 150 कब आएगी, दिन के किस टाइम पे 150 आएगी? हमारे उसके बारे में तो हमारे पास ऑफिशियल जानकारी नहीं रहता, आप यूज कीजिए ऑटोमेटिक वो चेंज होगा। अब ये दो बातों की एक बात है, तुम पागल बना रहे हो ना सबको ये बोल के लाइन कि 50 मिनिमम और 150 तुम देने नहीं, तुमने 22 से ऊपर देना ही नहीं तुमने। जो अगर 22 से ऊपर नहीं देता उससे पहले आपको नहीं मिलता वो, अभी आप वेट कीजिए वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कब होगा? मैक्सिमम ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, जो मैं 10 बार कर चुका हूँ 10 बार 22 ही आ रहा है? अभी नहीं मिल रहा, आप कीजिए आपका प्लान में जो थ्रेशोल्ड स्पीड है आपका अपलोडिंग का वो आपका 20 Mbps का है, उसके ऊपर मिल रहा है आपको ठीक है, और अपलोडिंग का जो स्पीड है वो आपका 100 Mbps 150 Mbps का है मैक्सिमम ठीक है। तो आपको अभी कहना चाहता यही बात, आप अगर लैन में कनेक्ट करके देखिए उस लैन में भी चेंज होगा वो। मैं समझ गया आपकी बात, आप ये गोलमोल बात कर रहे हो कि 20 से लेकर 150 तक अपलोड आएगी, जो मर्जी आए वो तुम वो डिपेंड करता है, हवा कभी आई कभी ना आई, यही कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो पे अपलोड करूंगा मैं तुम्हारी बात। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा कैसे कस्टमर केयर पे पागल बनाया जा रहा है आम पब्लिक को, कि वो कह रहे हैं कि हमने अपलोड इक्वल टू डाउनलोड तो दी है, लेकिन अपलोड की हमने एक लिमिट दी है, यानी 20 से ऊपर 150 तक मैक्सिमम, कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है का क्या मतलब है? कुछ भी आ सकता है ये मतलब है कि आपको पागल बना रहे हैं, वो हमेशा आपको 22-23 ही स्पीड देंगे, कभी कभी जब उनके पास लोड कम हुआ तो कभी कभी आपके पास वो 150 तक पहुंचेगी, अदरवाइज आपकी अपलोड इक्वल टू डाउनलोड नहीं रहेगी, यही सच्चाई है। इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया वीडियो, होप आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है जियो कनेक्शन को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी क्वेरी को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।